हाय गाइस, सो आई हैव अ फ्रेंड जो अभी इंटरनेशनल ट्रिप से वापस आया है और अभी छत्तीसगढ़ क्वारंटीन में है. ही इज शेयरिंग हिज स्टोरी एंड विच आई एम शेयरिंग ऑन माय पेज. प्लीज हैव अ लुक. हे गाइस, सो फाइनली मैं क्वारंटाइन रूम जो कि नया रायपुर में है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है, मैं वहां पर फाइनली पहुंच गया हूं. अब जस्ट यहां पे पहुंचा, अपना सामान थोड़ा सा खोला, शावर लिया. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये रूम दिखा देता हूँ कि रूम कैसा है. तो डबल बेड का ये रूम है, दो बेड्स दिए गए हैं प्रॉपर. एंड वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टेबल वहाँ पर दिया गया है, एक टेबल वहाँ पर दिया गया है. और इस टेबल पे मैंने अपना वर्क स्टेशन सेटअप कर दिया है. उस टेबल पे मैं प्रॉब्ली खाना वगैरह खाऊंगा. और दो अलमारी है साथ साथ आपके पूरे कपड़ों को रखने के लिए. उसके अलावा अच्छा सा वॉशरूम है जो कि क्लीन है और प्रॉपर अच्छे से सैनिटाइज करके रखा गया है. इसके अलावा ये बालकनी है. अभी बज रहे हैं इसमें 2:00. बहुत ही अच्छा यहाँ से व्यू दिख रहा है. ये वही लेक है, मेफेयर का लेक है वो पीछे. और ये बालकनी है अच्छी सी. हाँ, एसी भी दिया गया है, एसी भी है. तो यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, एक अटेंडेंट है जो आपको दिन में सुबह नाश्ता देगा, लंच देगा, शाम को चाय देगा और रात को आपका डिनर देगा. और कुछ भी अगर आपको चाहिए तो एक टेलीफोन लाइन कनेक्शन दिया गया है. आप वहाँ पे रिसेप्शन में कॉल कीजिए, आपको कोई भी चीज़ें चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर देंगे. साथ ही साथ डॉक्टर्स यहाँ पे 24/7 अवेलेबल हैं जो कि आपका 3 बार टेम्परेचर चेक करने के लिए आते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे कोरोना के, लाइक सांस लेने में तकलीफ एंड सो ऑन. उसके साथ साथ एम्बुलेंस जो है वो 24/7 खड़ी हुई है. अगर आपको एकदम आपकी तबीयत ख़राब होती है या फिर कोरोना अगर डिटेक्ट होता है तो तुरंत आपको एम्स यहाँ से ले जाएंगे. एंड बाकी सब अच्छा है यहाँ पे, लाइक बस एक रूम है. हाँ, आपको बिल्कुल भी किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, ना ही आपका कोई मेंबर यहाँ पे आ सकता है, ना ही आप यहाँ इस रूम से बाहर जा सकते हैं. और कुछ भी अगर आपको चाहिए तो बस उसके लिए आपको फ़ोन करना है, दैट्स इट. सो दिस इज़ द रूम फॉर नेक्स्ट 14 डेज. एंड अब देखते हैं यहाँ पे कितने देर तक, दिनों तक रहना है. होपफुली मैं पॉजिटिव हूँ, मतलब कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ अभी. अभी तो मुझे पता नहीं मेरा टेस्ट होगा, क्योंकि मैं मेंटली पॉजिटिव हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर द बेस्ट कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा. सो फार सो गुड. एंड मेरी रिक्वेस्ट है वो सभी पैसेंजर्स से, जो सभी ट्रैवलर से, जो कोई भी अभी आ रहे हैं बाहर से और रिसेंटली ट्रैवल किए हैं, आप अगर सेल्फ क्वारंटाइन होना चाहते हैं या घर में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आप जा रहे हैं घर पे तो अपने सामान को और अपनी चीज़ों को और जितने भी अपने जैकेट्स वगैरह जो भी लाए हैं उसको अच्छे से सैनिटाइज करके रखिए और किसी को मत दीजिए. अभी मुझे नहीं पता घर पे रहना कितना ज़्यादा सेफ़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगा. क्योंकि वहाँ पे मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के कांटेक्ट में आ ही जाता और अगर मुझे कोरोना होता है तो उन तक भी पहुँच सकता. तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं गवर्नमेंट जो छत्तीसगढ़ सरकार जो है उसके द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है, डॉक्टर्स हैं और सब कुछ यहाँ पे सुविधा अच्छी है. सो मैंने सोचा यहाँ पे क्यों ना अपने आप को क्वारंटाइन किया जाए, ना कि घर पे जाके मैं रिस्क लूँ और घर में फैमिली है और भी लोग हैं, सो उन तक पहुँच सकता है कि कोरोना का जो सिम्टम है वो तुरंत पता नहीं चलता. कुछ दिन लगते हैं, कुछ हफ्ते लगते हैं तब पता चलता है कि आपको कोरोना है या नहीं है. आपको पहले प्रोटेक्ट रखना है, तब अपने राज्य को बचाऊंगा, तब अपने देश को बचाऊंगा और पूरी दुनिया को बचाऊंगा. सो यही सोचकर मैं अपने आप को यहाँ पे क्वारंटाइन किया. और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी आ रहा है, अगर उन्हें अपने घर पे बिल्कुल सेफ़ नहीं लग रहा है तो वो अपने सरकार पे भरोसा करें और यहाँ पर आ सकते हैं. यहाँ पे सुविधा काफ़ी अच्छी है, आप अच्छे से रहेंगे एंड आपको बिल्कुल भी यहाँ पे तकलीफ नहीं होगी. अभी तक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है. सो बिल्कुल, तो यही बस आप लोगों से कहना था, यही मेरी स्टोरी थी वियना से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के अभी इस क्वारंटाइन रूम में. आप सब लोगों का मुझे विशेष चाहिए कि होपफुली मेरा कोरोना टेस्ट होगा और सब कुछ अच्छा हो. सो फार सो गुड, अभी मेरी तबीयत ठीक है अभी तक. लेट्स सी.